बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज जावेद अली, एस्पायर कॉलेज सांगला हिल कैंपस। अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की पिछले लेक्चर में बात की, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए, प्रॉपरली इसका व्यू देने के लिए अब हम एक इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन को कारोबार में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन का कारोबार में मकसद क्या है, और अकाउंटिंग इक्वेशन को कारोबार में हल करने के लिए किन किन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल, जैसे एक न्यूमेरिकल है उसामा स्टार्टेड बिजनेस कैश, उसामा ने कारोबार को शुरू किया है कैश के साथ, तो इसका मतलब है हम लोगों ने बात की थी कि एक सेपरेट एंटिटी है, उसामा कोई और है, कारोबार कोई और है, तो उसामा ने 1,00,000 रुपए से अपना कारोबार शुरू किया है, तो कारोबार के पास क्या आया, कारोबार के पास सबसे पहले एसेट्स में इजाफा हुआ जो कि हमारे पास है कैश। उसामा ने कारोबार को कैश दिया, कितना कैश दिया, उसामा ने कारोबार को 1,00,000 रुपए का कैश दिया। तो हम लोगों ने यह भी बात की थी कि जो एसेट्स में जितना इजाफा होगा उतना ही उसकी लाइबिलिटीज में इजाफा हुआ। अब ये कौन सी लाइबिलिटी है, उसामा ने 1,00,000 रुपया दिया अपनी पॉकेट में से, तो जो मालिक का सरमाया है वो हमारे लिए कैपिटल की हैसियत रखता है। तो उसामा ने जो कारोबार को 1,00,000 रुपया दिया वो हमारा एक तो कैश में इजाफा हुआ और दूसरा उसका हमारी कैपिटल में इजाफा हुआ, अर्नर्स इक्विटी में इजाफा हुआ। ठीक, मसलन एक तरफ एसेट्स बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं। अब परचेज गुड्स फॉर कैश, इसने 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन की है, चीजें खरीदी हैं, हमने बात की थी फॉर कैश का लफ्ज आ जाए तो हमारे पास ये ट्रांजैक्शन नकद ट्रांजैक्शन है, हमने उसी वक्त पैसे दिए और चीजें खरीद ली। जब हमने चीजें खरीदी और पैसे दिए तो इसका मतलब है कि हमारे पास 10,000 रुपए से कैश में कमी हो गई और इजाफा किसमें हुआ, गुड्स में, हमारे पास 10,000 रुपए की गुड्स आ गई तो हमारे पास 10,000 रुपए का गुड्स का इजाफा हो गया। अब जैसे हम लोग इन दो एंट्रीज को कर लेंगे हम लोग इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल हमारे पास आया 1,00,000 रुपए का कारोबार शुरू किया था, 10,000 रुपए की चीजें खरीदी तो हमारे पास ये 90,000 रुपया रह गया और हमारे पास 10,000 रुपए की चीजें पड़ी हुई हैं, तो ये 10,000 रुपया इधर आ गया। ठीक, और इज इक्वल टू हमारे पास लाइबिलिटी कोई भी नहीं है तो हम लोग लाइबिलिटी को जीरो कंसीडर करते हैं और ये आ गया हमारे पास जीरो, हम इसमें ऐड करेंगे अर्नर्स इक्विटी का 1,00,000 रुपए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा क्वेश्चन है वो सही हो रहा है, 10,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 1,00,000, तो 1,00,000 ही इधर है तो ये दोनों आपस में बराबर चलेंगे। अब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने बात की थी जहां पर लफ्ज आ जाए ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार, हमने आज चीजें खरीदी हैं तो आने वाले वक्त में पैसे देने हैं, तो चीजें कितने की खरीदी हम लोगों ने, हमने चीजें खरीदी 12,000 रुपए की, हम लोगों ने मजीद 12,000 रुपए की चीजें खरीदी हैं तो हमारे पास 12,000 रुपए का चीजों में इजाफा हो गया। अब हमने पैसे नहीं दिए, पैसे तो आने वाले वक्त में देने हैं, तो इसका मतलब है जो पैसे हमने आने वाले वक्त में देने हैं वो हमारी लाइबिलिटी है, जो हमारी लाइबिलिटी है उसको हम लोग लाइबिलिटी का नाम देंगे क्रेडिटर, वो लोग जिनको हमने आने वाले वक्त में पैसा देना होता है वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं और हमारी 12,000 की लाइबिलिटी में इजाफा हो गया। अब हम फिर इसका टोटल कर लेंगे तो ये आया हमारे पास 90,000 प्लस 22 इज इक्वल टू 12,000 प्लस 1,00,000, तो ये हमारा बराबर है। तीसरी ट्रांजेक्शन है ही परचेज्ड फर्नीचर 10,000, उसने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर खरीदा ना इसमें कैश दिया हुआ है ना इसमें क्रेडिट दिया हुआ है, तो हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि जहां पर कुछ नहीं होगा वो भी कैश ट्रांजेक्शन ही होगी, तो ही परचेज्ड फर्नीचर, उसने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, इसका मतलब है फर्नीचर उसके पास आया और कैश उसके पास
यानी कि लेस कर लिया और उसके पास एक नया एसेट आ गया जिसका नाम है फर्नीचर। तो उसने फर्नीचर में 10,000 रुपया ऐड कर दिया, उसने फर्नीचर खरीदा है, नकद खरीदा है, 10,000 रुपया कैश लेस कर दिया और फर्नीचर में ऐड कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास 80,000 रुपया इज इक्वल टू 22,000 रुपया प्लस 10,000 रुपया इज इक्वल टू 12,000 प्लस 1,00,000। तो हम इसी तरह इसका टोटल करते जाएंगे। फिर हमारे पास है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसने चीजें बेच दी हैं। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसने नकदी चीजें बेच दी हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था फॉर कैश का लफ्ज आ जाए तो ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसने नकद चीजें बेच दी हैं 20,000 रुपए की कॉस्टिंग, जिनकी लागत थी 18,000 रुपया। उसने 20,000 रुपए की जो चीजें बेची हैं उनकी लागत है 18,000 रुपया। तो हमने बात की थी जो 20,000 की चीज है, जो 18,000 रुपए की चीज है वो हम लोग अगर 20,000 में बेचे तो जो फर्क होगा वो हमारा होगा प्रॉफिट में। अब उसने 20,000 रुपए की चीजें नकद बेच दी तो 20,000 का कैश में इजाफा हो गया, हमने 20,000 को कैश में ऐड कर दिया। अब 18,000 हम गुड्स में से कम कर देंगे, जितने की चीजें थी उनकी लागत कितनी थी। अब इन दोनों में जितना फर्क है 2,000 रुपए का, और हमने बात की थी जो प्रॉफिट है वो हमारी ऑनर्स इक्विटी को बढ़ाता है, तो हम 2,000 रुपया अपना प्रॉफिट इसमें ऐड कर लेंगे और इधर लिख देंगे प्रॉफिट। इस वजह से इजाफा हुआ, प्रॉफिट की वजह से इजाफा हुआ। तो हमारे पास आ गया 1,00,000 रुपया प्लस 4,000 रुपया, 22,000 में से 18,000 प्लस किया 4,000 रुपया प्लस आया हमारे पास 10,000 रुपया इज इक्वल टू हमारे पास आया 12,000 प्लस 1,02,000 रुपया। तो ये अभी तक बराबर है। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, उसने कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। इसका मतलब है कि जो उसकी जेब में, उसके पॉकेट में, उसके लॉकर में, बिजनेस में कैश पड़ा हुआ था वो कैश उसने बैंक में जमा करवा दिया। अब ये क्या किया जाए, अब इसका मतलब है उसके कैश में 10,000 रुपए का कमी होगी, 10,000 की उसके कैश में कमी होगी और उसके बैंक में इजाफा हो गया। जब देखिए उसका जो बैंक है वो भी तो अल्टीमेटली उसके पास एक कैश की सूरत में है ना, जब चाहे वो अपने बैंक से पैसे निकलवा सकता है। तो इसका मतलब है कैश में से 10,000 रुपया कम हुआ और उसका इजाफा हो गया बैंक में, और हम लोग इसका बैंक में इजाफा कर लेंगे। तो ऐसे भी मुमकिन है कि दोनों के दोनों जो पहलू हैं वो एक तरफ भी हो जाए, जैसे कि 10,000 रुपया कैश उसने जमा करवाया, हमने कैश को लेस कर दिया और वही 10,000 रुपया उसका बैंक में आ गया, बैंक में इजाफा हो गया। अब हम इसका बिल टोटल कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, तो ये बचा हमारे पास 90,000 रुपया प्लस 4,000 रुपया प्लस 10,000 रुपया और प्लस 10,000 बैंक वाला इज इक्वल टू हमारे पास है 12,000 प्लस 1,02,000। अब फर्दर मूव करते हुए विदड्रू का मतलब है निकालना, विदड्रू कैश, इसने कैश निकाला है फॉर पर्सनल यूज, अपने जाती इस्तेमाल के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट समझने वाला बहुत जरूरी है, जब उसामा ने कारोबार को स्टार्ट किया था 1,00,000 रुपए से, तो जो उसामा पैसे लेके आया था वो पैसे उसका कैपिटल कहलाया था, वो पैसे उसका कैपिटल कहलाया था। अब वो कारोबार से अपने जाती इस्तेमाल के लिए पैसे लेके जा रहा है। जब कोई मालिक अपने कारोबार से अपने जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाएगा तो हम उसको एक खास ट्रीटमेंट का नाम देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग। हम उसको ड्राइंग्स का नाम देते हैं। तो जो ड्राइंग्स हैं वो एक कारोबार के लिए एक्सपेंस की हैसियत रखती हैं, और हमने अभी पिछले लेक्चर में बात की थी जो एक्सपेंस है वो हमारे ऑनर्स इक्विटी में कमी करते हैं। अब उसने विथड्रॉ कैश किया है 1,000 रुपया अपने जाती इस्तेमाल के लिए, तो हमने 1,000 रुपया जो उसने जाती इस्तेमाल के लिए निकलवाया कैश में से लेस कर देंगे, वो पैसे लेके चला गया और उतना हमारा ऑनर्स इक्विटी में भी कमी हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि उसने ड्राइंग्स की है और साथ में हम लोग लिख देंगे ड्राइंग्स की वजह से। ये कमी किस वजह से हुई है? ड्राइंग्स की वजह से कमी हुई है। अब हम इसका टोटल कर देंगे तो ये बचा हमारे पास 99,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 12,000 प्लस 1,01,000। तो ये हमारे पास जो है टोटल ट्रीटमेंट बचा। अब लास्ट वाली एंट्री है पेड रेंट। उसने रेंट अदा किया है, पेड रेंट उसने रेंट अदा किया है। अब रेंट कारोबार के लिए क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है, जो कि कारोबार ने अदा करना ही करना है। जहां पर फैक्ट्री है, जो कारखाना रेंट पे है, उसका किराया तो अदा करना ही करना है। तो कारोबार ने 3,000 रुपया रेंट अदा किया। तो रेंट अदा करने का क्या मतलब है कि कैश में हमारे 3,000 की कमी हो गई, कैश में हमारे 3,000 की कमी हो गई। और हमने बात की थी जो हमारा एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस, ये हमारी अनर्स इक्विटी में कमी करता है। तो 3,000 रुपए से हम अपनी अनर्स इक्विटी में कमी कर लेंगे। अब हम इसका टोटल करते हैं तो ये बचा हमारे पास 86,000 प्लस हमारे पास बचा 4,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 12,000 प्लस 98,000। अब परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, हम लोगों ने ये बात की थी जो मालिक अपने जाती इस्तेमाल के लिए, उसकी जाती प्रॉपर्टी है, वो कारोबार के साथ लिंक नहीं करेगी। परचेज रेफ्रिजरेटर उसने भी फ्री की खरीदी है फॉर पर्सनल यूज, अपने जाती इस्तेमाल के लिए। तो जो चीज वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए खरीदेगा उसका कारोबार के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ये सवाल हमारा यहां पर खत्म होता है। तो ये हमारे पास जो बचा वो है 86,000 प्लस 4,000 90,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,10,000। तो जो हमारे एसेट साइड पे टोटल आया है वो है 1,10,000 रुपए का। और इसी तरह से 98,000 उसमें ऐड करेंगे 12,000 रुपया, तो लाइबिलिटी साइड पे भी हमारे पास आया 1,10,000 रुपया। तो बस साबित हुआ कि अगर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी एसेट साइड और हमारी लाइबिलिटी साइड बिल्कुल इक्वल आएगी। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी।